वहीं दूसरी तरफ यूपी में साइकिल की सवारी शुरू हो चुकी है। सिर पर लाल टोपी, गले में पीला गमछा और निकल पड़े हैं टीपू और राजभर। नजर है लखनऊ की गद्दी पर, निशाना है योगी की भगवा लहर। कल तक ओवैसी को सीएम बनाने का और बनने का सपना दिखाने वाले चतुर राजभर अखिलेश को सीएम की गद्दी तक पहुंचाने का ख्वाब दिखा रहे हैं और खुद को सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी मानने वाले राजभर ओवर कॉन्फिडेंस में कह गए कि वो राजा को रंक बनाने की हिम्मत रखते हैं। उनकी चुनावी चाल कोई काम करेगी या टीपू की साइकिल भी पंचर होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। जिस समय पूर्वांचल के लोग चल देते हैं वो निश्चित दिन हो जाता है कि इतिहास बदलेगा। अब यूपी है, अब यूपी में खदेड़ा हो गए। यूपी में सियासी समर शुरू हो चुका है, चंद महीने बचे हैं और कुर्सी के दौड़ के लिए जोर आजमाइश हो रही है। समाजवादी साइकिल पर सवार टीपू पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन उनके रास्ते में ओवैसी, बहन जी और प्रियंका ने इतने कांटे बिछा दिए हैं, उनकी साइकिल की हवा बार बार पंचर हो जाती है। इसलिए बड़ी मान मनोवल के बाद राजभर उनकी साइकिल पर सवारी करने निकले हैं। बंगाल में कुछ हुआ है तो यहाँ के लोग भी और पूर्वांचल के लोग भी खदेड़ा कर करके दिखाएंगे, यहाँ भी खदेड़ा होगा। याद कीजिए, कुछ महीने पहले यही राजभर सीएम की सेल लगाए घूम रहे थे और सभी को सीएम बनाने का ख्वाब दिखा रहे थे। अब राजभर की इस मार्केटिंग में फंसकर अखिलेश भी सीएम बनने का सपना संजोए बैठे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति आप लोगों के बल पे, आप लोगों के माध्यम से ओम प्रकाश राजभर ऐसा व्यक्ति पैदा कर दिया आप लोगों ने कि जिसके साथ जाएगा उसकी सरकार बनेगी। पिछली बार हम गए भाजपा के साथ तो उसकी सरकार बन गई, अब हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिए हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाएगी। ये ओम प्रकाश राजभर है, अगर सत्ता पे बैठाना जानता हूँ तो सत्ता से उतारने की भी हैसियत ओम प्रकाश राजभर के पास है। मऊ की रैली में राजभर का मंच था और उस पर अखिलेश यादव विराजमान थे। सिर पर लाल टोपी और गले में पीला गमछा, राजभर के लिए अखिलेश कसीदा पढ़ रहे थे। ये पीला रंग सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी का है, ये पीला रंग, और लाल टोपी भी सर में है, लेकिन सोचो हम मैदान में लाल और पीले वाले इकट्ठे हुए हैं। तो देखिए, नए चुनावी समीकरण को सेट करने के लिए ये दो एक साथ निकल पड़े हैं और ओवैसी को धोखा देके राजभर एक कदम आगे चल पड़े हैं।